हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले हमने जो थ्योरी थेरेपीज पढ़ी हैं वो है साइको एनालिसिस, साइको डायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, जिसमें जेस्टॉल्ट भी पढ़ी थी, और अब ये बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट करेंगे। बिहेवियर थेरेपी में एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि कोई भी बिहेवियर, द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बिहेवियरिज्म इज दैट ऑल बिहेवियर, वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, इज लर्न थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट ये कहते हैं चाहे वो कोई भी नॉर्मल बिहेवियर हो, चाहे वो अबनॉर्मल हो, जिसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं, यानी कि जो रेयर है बहुत, तो वो दोनों ही बिहेवियर एक ही तरीके से लर्न किए गए हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है। तो वो कहते हैं कि कैसा भी बिहेवियर हो चाहे, वो बिहेवियर लर्न्ड है, और लर्निंग किस तरीके से हुई है, कंडीशनिंग के थ्रू हुई है। दूसरी बात ये है कि जो साइकोडायनामिक और ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज थी वो इनसाइट थेरेपीज थी। इनसाइट बेस्ड मतलब वो आपको खुद ही अपने आप के बारे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता था, तो आपके इनसाइट्स प्रोवाइड करता था अपने बारे में। बट ये वाली थेरेपी जो है ये एक्शन बेस्ड थेरेपी है। इसका डायरेक्ट गोल होता है आपका बिहेवियर चेंज करना। तो ये जो बिहेवियर थेरेपी है दिस इज एन एक्शन बेस्ड रैदर देन इनसाइट बेस्ड, बिकॉज द एम इज टू चेंज योर बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ सेम काइंड ऑफ लर्निंग टेक्निक्स। तो वो ये बोलते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि जैसे हमारा बिहेवियर हमें लर्न हुआ है बचपन से कंडीशनिंग कर करके, उसी तरीके से हम बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको कुछ समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये एक्शन थेरेपी है। तो इसमें आपको कंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग करी जाती है ताकि आपके जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो नॉर्मल में चेंज हो सके। सो द एबनॉर्मल और अनडिजायरेबल बिहेवियर इज नॉट सीन एज सिम्टम ऑफ एनीथिंग एल्स, बट रेदर इज द प्रॉब्लम इटसेल्फ। लर्निंग क्रिएटेड द प्रॉब्लम एंड न्यू लर्निंग कैन करेक्ट इट। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर हो, अनडिजायरेबल बिहेवियर हो, उसके सिम्टम्स, उसको एज अ सिम्टम मत देखो, उसको एज अ प्रॉब्लम देखो कि वो बिहेवियर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम और उसको कैसे चेंज करें आप। तो ये बिहेवियर चेंज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन आपको सिम्टम्स आपके समझ के, आपको इंसाइट प्रोवाइड करा के, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, वो सब नहीं है। ये एक तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कार्टून की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे सपोज ये बंदा है जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, अब अगर ये यहाँ पे आया है गाड़ी ठीक कराने, तो फ्रॉयडियन अगर साइको एनालिसिस टेक्निक अगर कोई मैकेनिक यूज़ करेगा तो वो उससे पूछेगा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रबल, किस तरह का ट्रबल है इसको और ये कब शुरू हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, वो इस तरीके की बात करेगा। लेकिन अगर कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि लेट्स ड्राइव इट अराउंड एंड सी व्हाट हैपेंस, कि इसको ड्राइव करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अगर हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमें ये फील होता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच बिहेवियर थेरेपिस्ट की है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके देख रहा है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, उसको चेंज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे कि फ्रॉयडियन थेरेपी ज़्यादा बेटर थी या उससे पहले जो भी ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज थी, क्योंकि वो उसके रूट कॉज तक जाने की पहले कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उसको चेंज करने की। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सबका अपना तरीका होता है करने का, कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रेफर करता है और कोई थ्योरेटिकली करके प्रैक्टिकल करना ज़्यादा प्रेफर करता है। सो अब इसमें थेरेपीज किसके ऊपर बेस्ड है, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है, और क्लासिकल कंडीशनिंग हम बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें ये देखा जाता था कि इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज हमारे होते हैं अगर उसको स्टिमुलस से पेयर किया जाए। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज द लर्निंग ऑफ इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज बाय पेयरिंग अ स्टिमुलस दैट नॉर्मली कॉज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विद अ न्यू न्यूट्रल स्टिमुलस। तो अगर आपको वो अच्छे से याद है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा या क्या कह रहे हैं कि जब हम कोई नॉर्मली होने वाले रिस्पॉन्स को किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं तो वो कंडीशनिंग हो जाती है उसके अंदर। जैसे हमारे
डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में था कि वो बेल की खाने को देख के उसके मुंह में सलाइवा आता है डॉग के, लेकिन जब हम बेल को फूड के साथ पेयरिंग कर देते हैं तो बेल की आवाज से भी सलाइवा मुंह में आना शुरू हो जाता है। तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि कोई इन्वॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, उसको न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दो अगर नॉर्मल स्टिमुलस को, तो वो रिस्पॉन्स उस केस में भी आना शुरू हो जाता है। थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग ओल्ड एंड अनडिजायरेबल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिजायरेबल वंस। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ही हम एक डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज कंडीशनिंग कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम फोबिया का ट्रीटमेंट करते हैं, OCD का करते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का करते हैं। एंड इस टेक्निक को यहाँ पे पहले बोलते थे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, पहले इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हो आप किसी का, अभी इसको बोला जाता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। सो द न्यूअर टर्म हाई बेटर हाईलाइट्स द नीड ऑफ फॉर अ फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर टू बी मॉडिफाइड। मतलब बिहेवियर को एनालाइज करेंगे एंड देन मॉडिफाइड करेंगे, तो विच इज देन फॉलोड बाय द यूज ऑफ कंडीशनिंग टेक्निक्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं आजकल, जिसमें हम पहले एनालाइज करते हैं बिहेवियर को, उसके बाद कंडीशनिंग से मॉडिफाई करते हैं। तो इसकी पहली टेक्निक है सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। ये सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें जो फोबिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, और इसमें 3-step प्रोसेस है। और वो 3-step प्रोसेस ये है कि पहले तो रिलैक्सेशन सिखाई जाती है। रिलैक्सेशन मींस अपने आप को क्लाइंट को किस तरीके से रिलैक्स करना है, वो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 2nd step होता है कि उसमें एक लिस्ट होती है क्लाइंट ने जो बनाई होती है, जिसमें उसने वो सारी चीज़ें लिखी होती है जिससे उसको डर है, जिसका फोबिया है। सो द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट बिगनिंग विद द ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन दैट कॉजेज लीस्ट फियर टू द क्लाइंट। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है लिस्ट की वो हायरार्किकली है, जैसे कि पहले वो चीज़ लिखी जाएगी जिससे सबसे कम डर लगता है, फिर उससे धीरे धीरे वो सिचुएशन और ज़्यादा जो सिचुएशन और जिससे ज़्यादा डर लगता है, ऐसे करते करते उसको बढ़ा देंगे। दैट मीन्स पहले शुरुआत होगी लीस्ट फियर वाली सिचुएशन से, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर ऐसे करते करते लास्ट में जो सिचुएशन होगी वो वर्स्ट वाली होगी। वर्स्ट मीन्स सबसे ज़्यादा फियर जिससे लगता है। तो इस तरीके से उन सिचुएशंस की या उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं। एंड फाइनली अंडर द गाइडेंस ऑफ द थेरेपिस्ट द क्लाइंट बिगिन्स एट द फर्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट दैट कॉजेज मिनिमल फियर एंड लुक्स एट इट। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि पहले उस लिस्ट में से वो चीज़ उठाई जाती है जिसमें सबसे कम फियर होता है। मतलब जैसे सपोज आप अगर क्लाइंट हो और आप थेरेपिस्ट के पास गए हो जो सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन का यूज़ कर रहा है, तो आप अपने फोबिया को ट्रीट कराने के लिए गए हो, वहाँ पे आपको वो पहले लिस्ट बनाने के लिए बोलेगा कि आप एक लिस्ट बना दो किन चीज़ों से आपको डर लगता है। उसमें सबसे पहले आपको वो लिखना है जिससे बहुत कम डर, आपको सपोज बहुत कम डर लग रहा है, जैसे सपोज आपको हाइट से इतना डर नहीं लगता, आपने लिख दिया हाइट से बहुत कम डर लगता है। उससे ज़्यादा डर किससे लगता है, आपने नेक्स्ट चीज़ लिख दी, उससे ज़्यादा डर किससे लगता है। ऐसे करते करते आपने एक लिस्ट बना दी और उसमें सबसे हाइट पे आपने लिख दिया कि आपको डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अंधेरे से, जो लास्ट में आ जाएगा लिस्ट के। वो लिस्ट तैयार हो गई, अब उसमें से पहली चीज़ उठाई जाएगी, सपोज आपने लिखा था हाइट, तो वो चीज़ ली जाएगी कि आपको हाइट से कम डर लगता है। तो वो फर्स्ट थिंग उठाएंगे और उसके बाद आपको इमेजिन करने के लिए बोला जाएगा कि आप इमेजिन करो कि आप किसी हाइट पर खड़े हो, तो वो जो पहली चीज़ आपने अपनी लिस्ट में लिखी है वो चीज़ आपने इमेजिन करनी है कि आप पर्टिकुलरली उस चीज़ के पास खड़े हो या आप उस हाइट पर खड़े हो जिससे आपको डर लगता है। फिर वो जो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई है और रिलैक्स करने की टेक्निक सिखाई है वो यूज़ करनी है। मतलब कि आप अपने आप को हाइट पर इमेजिन करोगे, साथ साथ आप अपने मसल्स को रिलैक्स करोगे। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द थेरेपिस्ट द क्लाइंट बिगिन्स एट द फर्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट दैट कॉजेज मिनिमल फियर एंड लुक्स एट इट, थिंक अबाउट इट, एक्चुअली कन्फ्रंट्स इट वाइल रिमेनिंग इन अ रिलैक्स स्टेट।
तो अब इसमें क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है दो चीजों की। अब यहाँ पे आप क्या होगी कि कैसे बिहेवियरिंग वो कंडीशनिंग टेक्निक किस तरीके से हो रही है, पेयरिंग किस चीज की हो रही है। एक चीज ये कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप उस जगह पे खड़े हो जिससे आपको डर लगता है, बहुत ऊंची हाइट पर खड़े हो। साथ में आपको रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी है अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो आपको डर भी लग रहा है और साथ में आप अपने आप को रिलैक्स भी कर रहे हो, और ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट है। फियर रिलैक्सेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि जब फियर होता है तो रिलैक्सेशन नहीं होती है, और अगर रिलैक्सेशन है तो फियर नहीं होता। लेकिन जब आप डर रहे हो तभी आपको बोला जा रहा है कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करके अपने मसल्स को अपने आप को रिलैक्स करो। सो द फियर ऑफ विद द न्यू रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स दैट इज इनकम्पैटिबल विद द इमोशन एंड फिजिकल अराउजल एसोसिएटेड विद फियर, द पर्सन फियर इज रिड्यूस्ड एंड रिलीव। अब क्या होगा, क्योंकि आप पेयरिंग कर रहे हो दो कंडीशन स्टिमुलस की, आप एक तो अपने फियर के साथ अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक को दोनों को यूज़ कर रहे हो, तो रिलैक्स होने की वजह से, रिलैक्सेशन होने की वजह से धीरे धीरे जो आपकी बॉडी अराउज हुई थी फियर की वजह से, वो अराउजल, फिजिकल अराउजल, इमोशनल अराउजल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर जो फियर वाले रिस्पॉन्सेज थे वो कम हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका डर, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। द पर्सन देन प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट ऑफ फियर्स। अब जैसे पहली आइटम जो थी लिखी हुई लिस्ट में, हाइट, उसको आपने इमेजिन किया, उसके बाद आपने अपने आप को रिलैक्स किया, तो रिलैक्सेशन से धीरे धीरे आपके अंदर से वो डर चला गया हाइट का। अब नेक्स्ट लिस्ट लिस्ट बनी हुई है ना पूरी, उसमें हम नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे। नेक्स्ट आइटम आपने क्या लिखी है, सपोज नेक्स्ट आइटम आपने लिखी है हाइट से ज़्यादा डर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर चीज से, जैसे सपोज आपने लिख दिया स्नेक से। अब आपको बोला जाएगा आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपके आसपास रूम में एक स्नेक है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी अराउज हो जाएगी, आप डरना शुरू हो जाओगे, आपके अंदर फियर प्रोड्यूस होगा। फिर बोला जाएगा दोबारा से उस टेक्निक को यूज़ करो मसल रिलैक्सेशन की जो आपने पहले करी थी। फिर दोबारा आप पेयरिंग करोगे फियर के साथ, रिलैक्सेशन की पेयरिंग करोगे, फियर भी हो रहा है और आप रिलैक्स भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करने से आपका फियर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे। ऐसे करते करते हम छोटी आइटम से करते करते बड़ी आइटम तक पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ से लगता है, और फिर धीरे धीरे आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते करते उसमें आप इतने आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसको भी आप रिलैक्सेशन टेक्निक से कंट्रोल कर लो। तो जैसे पूरी लिस्ट करने के बाद फाइनली आप उस पे पहुंचे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। सपोज आपने लिखा हुआ था कि अंधेरे से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, अब फाइनल लिस्ट है ये, आप इससे सबसे ज़्यादा डरते हो। कोई बोला जाएगा आप इमेजिन करो कि आप ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे अंधेरा है चारों तरफ, अब आपको अंदर से फियर प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपने मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक इतनी बार यूज़ कर ली है कि अब आपको आराम से वो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करनी आ गई है। अब आप उसको यूज़ करके अपने जो ग्रेटेस्ट फियर है आपका, उसको कंट्रोल कर लोगे, और धीरे धीरे आपके सारे फियर्स जो है वो गायब हो जाएंगे, तो ये फोबिया पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिस्ट आपने लिखी है वो अलग अलग चीज़ों की हो। कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ को हम लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज आपने सिर्फ हाइट का ही डर बताया है, उसको सब चीज़ों का नहीं बताया, बोला मुझे सिर्फ हाइट से ही डर लगता है, उसी को फिर हम लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले छोटी हाइट, सबसे मिनिमम हाइट कितनी है जिससे आप डरोगे, वो आप लिख दोगे कि सपोज 6 फीट हाइट से मुझे डर लगता है, उसके उतना ऊपर मैं नहीं चढ़ सकता, तो 6 फीट उसके नीचे आ जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे 8 फीट आ जाएगी, थर्ड नंबर पे बढ़ता जाएगा, और हाईएस्ट जो डर लगता है आपको उतनी हाइट आ जाएगी लास्ट में। तो हाइट सिर्फ एक फोबिया को उठा के ही हमने पूरी लिस्ट बना दी, और उसको मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट तक लिख दिया। तो फिर आपको धीरे धीरे इमेजिन करना होगा मिनिमम हाइट को, फिर आपने रिलैक्स करना है अपने आप को। ऐसे करते करते जब हम मैक्सिमम हाइट वाले पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे आपने अपने आप को इमेजिन, जैसे सपोज आप किसी बिल्डिंग के 20th फ्लोर पे खड़े हो, वो आपने मैक्सिमम लिखा है, तो वो आप अपने आप को इमेजिन करोगे कि वहाँ टेरेस पे आप खड़े हो 20th फ्लोर के नीचे, देख रहे हो आप, आपको डर लग रहा है, और उसके बाद आप अपने मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, और धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। यू नो जो डर होता है ना, वो हमारी बॉडी का फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन ही होता है,
तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लें रिलैक्सेशन से तो वो डर खत्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि डर लगना ही है। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी फिजिकली और इमोशनली अराउज हो रही है, और कोई रीज़न नहीं है। इसीलिए तो कुछ लोग डरते हैं कुछ नहीं डरते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ डरने वाली है तो डरना ही है, वो आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है। अगर आप उसको कंडीशन कर दो मसल रिलैक्सेशन के साथ, तो जब भी आप कोई ऐसी जगह पे जाओगे आपको वो रिलैक्सेशन टेक्निक याद आ जाएगी, आपके अंदर वो रिस्पॉन्स आने लग जाएगा रिलैक्सेशन का, कंडीशनिंग हो चुकी होगी और धीरे धीरे आप हम रिलैक्स रहोगे हमेशा उस जगह पे भी जिसमें आप पहले डरते थे। तो आपको डीसेंसिटाइज कर दिया है, मतलब जिस चीज़ से पहले आप बहुत सेंसिटिव थे, बहुत जल्दी आप जिस चीज़ को देख के अलर्ट हो जाते थे, धीरे धीरे आप उसको देख के डीसेंसिटाइज हो गए। तो ये टेक्निक है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। दूसरी टेक्निक आती है अवर्जन थेरेपी। एक चीज़ मुझे और इसमें बतानी है डीसेंसिटाइजेशन में, कि ये एक ही दिन में नहीं हो जाता है, इसमें कई सारे सेशंस लगते हैं, कई सारे ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन जाओगे पूरी लिस्ट लेके और वो सारी चीज़ें एक साथ आपको इमेजिन करवा देंगे। ये थोड़े थोड़े सेशंस में होता है, एक बारी में नहीं होता है। हाँ, एवर्जन थेरेपी क्या है, ये अलग तरीका है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस दी फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। फ्रिक्वेंसी मतलब सपोज बार बार किसी को स्मोकिंग करने की आदत है तो उसकी फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्मोकिंग और हैबिट्स, कितनी बार वो स्मोक कर रहा है दिन में, उसको कम करवाते हैं। तो जैसे स्मोकिंग हो गया या ओवर ईटिंग हो गया, अब स्मोकिंग को अगर किसी एवर्सिव स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया जाए, सपोज जैसे ही आप स्मोक करो आपको उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आने लग जाए, जब भी आप करो अजीब सी स्मेल आ रही हो, तो धीरे धीरे आपकी आदत ही हट जाएगी उसको उठाने की, सिगरेट को। सिगरेट में कुछ ऐसा हो जिसको आपको उठाते ही आपके मुंह में स्मेल अजीब सी आ रही है, या आप उसको मुंह में डालते ही आपको वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आ रही है, जितनी बार आप करोगे उतनी बार आ रही है, धीरे धीरे क्या होगा वो एवर्सिव स्टिमुलस की वजह से आप उठाना ही बंद कर दोगे। तो कुछ इस टाइप का किया जाता है। एवर्सिव का मतलब जो चीज़ हमें नहीं पसंद है, जिसको हम अवॉइड करते हैं। तो उस तरीके से उस अवर्सिव स्टिमुलस को हमारे रिस्पॉन्स के साथ, अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स के साथ पेयर कर देते हैं ताकि हमारा रिस्पॉन्स ही ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु वॉन्ट्स टू स्टॉप स्मोकिंग माइट गो टू अ थेरेपिस्ट हु यूजेज अ रैपिड स्मोकिंग टेक्निक इन विच क्लाइंट इज अलाउड टू स्मोक बट मस्ट टेक अ पफ ऑन दिस सिगरेट एवरी 4-5 to 6 seconds. As nicotine is a poison, such rapid smoking produces nausea, dizziness, both unpleasant effect. तो जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत अपनी छुड़वानी है तो उसके लिए रैपिड स्मोकिंग टेक्निक होती है। थेरेपिस्ट उसको बोलता है स्मोकर को कि आपने एक साथ बहुत सारे एक साथ पफ लेने हैं 5 to 6 seconds तक। अब वो जानबूझ के ज़्यादा स्मोकिंग करवा रहे हैं, रैपिड स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि पता है कि निकोटीन उसमें से निकलेगा जो पॉइजनस होता है, और ज़्यादा करने से क्या होगा, नौजिया होगी, डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी, और वो नौजिया की वजह से बहुत ही अनईजी सा फील करेगा स्मोकर, उसको बहुत ही अनईजी लगेगा और धीरे धीरे वो अवॉइड करना शुरू कर देगा स्मोकिंग को। सो बिकॉज फोबियाज आर ऑलरेडी अनप्लेजेंट, अवर्सिव कंडीशनिंग इज नॉट द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ थेरेपी, बट ऑल्दो डीसेंसिटाइजेशन रिमेन्स वन ऑफ द मोर कॉमन थेरेपीज फॉर फोबिया, इट डज नॉट ब्रिंग क्विक रिजल्ट। तो यहाँ पे दोनों को इन्होंने कंपेयर करा है कि अवर्सिव स्मोकिंग जो है, सॉरी अवर्सिव कंडीशनिंग जो है वो हर तरीके की उसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, फोबिया वगैरह के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता अवर्सिव स्टिमुलस को, लेकिन जो डीसेंसिटाइजेशन है वो यूज़ कर सकते हैं फोबिया के लिए, बट वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो दोनों के अपने अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं दोनों टेक्निक्स के। एक्सपोजर थेरेपीज, तो एक्सपोजर थेरेपीज क्या है, बिहेवियरल टेक्निक दैट इंट्रोड्यूस द क्लाइंट टू सिचुएशन अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन विच आर रिलेटेड टू एंग्जाइटीज और फियर। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब है कि उनको जो क्लाइंट्स होते हैं जिस चीज़ से उनको डर होता है, जिस चीज़ का फियर होता है और जिससे एंग्जाइटी होती है, उससे एक्सपोज किया जाता है उस कंडीशन से। एक्सपोजर मतलब लैब में भी हो सकता है, रियल लाइफ में भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो अगर हम इन रियल सच्ची में उसको एक्सपोज कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ से जिससे उसे डर लगता है, तो उसको इन वीवो कहते हैं,
इन वीवो मतलब इन लाइफ, मतलब एक्चुअल में आप उसको एक्सपोज कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टिमुलस से जिससे उसको एंग्जाइटी होती है। इमेजिन करने के लिए अगर बोला जा रहा है तो उसको इमेजिनल बोलते हैं, कि हम इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं कि आप उस सिचुएशन में हो। तीसरा होता है वर्चुअल रियलिटी, आजकल जो यूज़ होता है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी जैसे यूज़ होती है, जिसमें हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे खड़े हैं, जो कि होता नहीं है, सब डिजिटल होता है, तो वर्चुअल उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सपोज किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सपोज करने का रीज़न ये है कि जब वो उसको एक डर है जो कि इरेशनल है, जो कि वो सोच रहा है, वो ऐसा नहीं है जो उसको लगता है कि मैं उस सिचुएशन में जाऊँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो उसको एक्चुअल में एक्सपोज करके ये लर्न कराने की कोशिश होती है कि देखो जो भी आपके माइंड में इलॉजिकल थॉट है वो गलत है। जैसे सपोज यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि चैंगसंग कोई कोरियन पर्सन है जिसको सोशल फोबिया है। सोशल फोबिया मीन्स उसको लोगों के बीच में जाने से डर लगता है। अब उसको कैसे एक्सपोज करेंगे, या तो उसको एक्चुअली किसी पार्टी में ले जाएंगे, या उसको इमेजिन करने के लिए बोला जाएगा, या उसको वर्चुअल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको ऐसी जगह पे उसको फील कराया जाएगा कि वो एक पार्टी में खड़ा है जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा है। तो इस तरीके से या तो वीवो टेक्निक यूज़ करेंगे या इमेजिनल या वर्चुअल, और उसको वहाँ पे ले जाया जाएगा, उसको फील कराया जाएगा कि वो ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पार्टी हो रही है। अब उस केस में जब वो, वैसे तो वो जाता नहीं है इन रियलिटी, तो वो जाता नहीं है डर के मारे क्योंकि उसे फोबिया है, लेकिन अगर एक्सपोज करेंगे तो हो सकता है उसका फोबिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब वो जाएगा वो देखेगा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डर लगना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो डरने के लिए है उस जगह पे। तो एक्सपोजर करने का मतलब है आप उस पर्सन को उस चीज़ से एक्सपोज कर रहे हो जिससे वो डर रहा है, ताकि उसका डर ख़त्म हो जाए। और ये भी ग्रेडेड एक्सपोजर होता है सेंसिटाइजेशन की तरह। ग्रेडेड एक्सपोजर मतलब पहले थोड़ा सा जिससे फियर लगता है उससे एक्सपोज किया जाता है, लीस्ट फियर्ड इवेंट से एक्सपोज किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जिससे ज़्यादा डर लगता है मोस्ट फियर्ड उससे एक्सपोज किया जाता है। तो ये ग्रेडेड भी हो सकता है। दूसरा फ्लडिंग का भी यूज़ हो सकता है। फ्लडिंग प्रोसेस का मतलब है सडनली आप उस चीज़ से एक्सपोज कर दो उसको जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है उसको। तो कोई पर्सन है जो हाइट से डरता है, उसको धीरे धीरे छोटी छोटी हाइट के ले जाने की बजाय उसको सीधा ही आप कुछ किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ले जाओ और वहाँ जाके उसको खड़ा कर दो, तो स्टार्टिंग में उसको बहुत एंग्जाइटी होगी, फियर होगा, धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू होगा जब फियर, तो उसको एक लर्निंग हो जाएगी कि ये जो फियर है ये इलॉजिकल है। तो अगर हाइट जैसी जगह पे अगर रिस्की लगता है कि आप एक्चुअली में किसी को ले जाओ, तो उसमें आप वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे वो वर्चुअली अपने आप को देख रहा है लेकिन एक्चुअल में उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो फ्लडिंग इज अ वेरी कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, फ्लडिंग प्रोसेस बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। एंड लाइक ग्रेडेड एक्सपोजर प्रोड्यूसेस एक्सटिंक्शन ऑफ द कंडीशनड फियर, तो जो भी उसकी कंडीशनड फियर होता है उस पर्सन के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, उस जगह को अवॉइड नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे उसका फियर ख़त्म हो जाता है। तो जैसे पार्टी वाली बात हो रही थी कि उसको अगर आपने वर्चुअल रियलिटी में आप उसको ऐसी जगह खड़ा करो जहाँ उसको लग रहा है वो एक पार्टी में खड़ा है, तो आप उसको वहाँ से जाने नहीं दोगे, और उसको जाने नहीं दोगे तो धीरे धीरे उसका फियर ख़त्म हो जाएगा। सो एक्सपोजर थेरेपी समटाइम्स कॉल्ड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, तो इसको कभी कभी हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी बोलते हैं। एक्सपोज भी कर रहे हैं प्लस उसको प्रिवेंट भी कर रहे हैं रिस्पॉन्स करने से। एंड लास्ट आता है आई मूवमेंट डीसेंसिटाइजेशन प्रोसेसिंग, EMDR। इसको जो यूज़ किया जाता है PTSD के लिए किया जाता है, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी पर्टिकुलर ट्रॉमा के बाद जिसको स्ट्रेस होता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इमेजिनल फ्लडिंग, कॉग्निटिव रीप्रोसेसिंग एंड डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द फियरफुल इवेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट और बायलेटरल स्टिमुलेशन। सो इट इज़ ऑल्सो यूज विद फोबियाज एंड अदर एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ऑल्दो PTSD रिमेन्स अ प्राइमरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं आई मूवमेंट डीसेंसिटाइजेशन प्रोसेस में, एक तो इमेजिनल फ्लडिंग है, उसको इमेजिन करने के लिए बोला जाएगा कि वो ऐसी पर्टिकुलर जगह पे खड़ा है जहाँ पे उसको बहुत डर लगता है, जो हाईएस्ट मोस्ट फियर्ड इवेंट है उसमें खड़ा है,
इमेजिन करने के लिए बोला जाएगा, कॉग्निटिव प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है, और उसको जो उसके अंदर फियर है, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाएगी, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ की जाएगी, और रैपिड आई मूवमेंट और अदर बाइलेटरल स्टिमुलेशन वगैरह इसी का पार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये जो सारी हमने अभी तक पढ़ी हैं, डिसेंसिटाइजेशन हो गया या फिर एवर्सिव थेरेपी हो गई, एक्सपोजर थेरेपी हो गई, ये सारी हमारे उसमें आती है क्लासिकल कंडीशनिंग में, जिसमें हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को पेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर कौन सी थेरेपीज बेस्ड हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।